नमस्कार दोस्तों, न्यूज वायरल एस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच में लाया हूँ जीके के करीब 40 प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये हमारा नोट्स है, मैं अपना नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में बेल का आइकन है, बेल का घंटी जरूर बजा दें। तो चलिए चलते हैं। पहला है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ये पहला प्रश्न है कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है। ठीक है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये किण्वन प्रक्रिया कहलाती है, किण्वन। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा कहा जाता है, किसे कहते हैं ध्रुव तारा? उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। इसका सही उत्तर जाएगा उत्तरी तारे। फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड राज्य है जहाँ फूलों की घाटी स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? यह है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम में ये ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मकर रेखा है, मकर रेखा कहाँ है? तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया यानी कब अपनाया? तो ये 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? पराबैंगनी किरण में कौन सा क्या है अधिक हानिकारक है? तो इसमें इसका जवाब होगा यूवीए। यूवीए जो है वो पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक है। अगला प्रश्न, है गिर शेर परियोजना स्थित है, गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिर शेर परियोजना गुजरात में स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गंगा नदी निकलती है यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। विशेष रूप से यह प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं, ये सीटेट, यूपीटेट यानी जितने भी टीईटी का एग्ज़ाम होता है उस पे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न सब है। उसके बाद अगला है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, वो कहाँ है? कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, वो कहाँ है? तो कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी है, ये है एंडीज में स्थित है, एंडीज में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? इसका जवाब है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है जिसे अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। ठीक, अगला, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित्र के लेखक है। अगला प्रश्न है, पौधे को वायुमंडल का शुद्धि कारक कहा जाता है क्यों? पौधे को वायुमंडल का शुद्धि कारक कहा जाता है क्यों? तो इसका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कारण पौधे को क्या कहा जाता है? वायुमंडल का शुद्धि कारक कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना हुई। उसके बाद अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? वो है जल संरक्षण।
जन संरक्षण के लिए उसे मैग्सेसे पुरस्कार दिया था। किसको दिया था? राजेंद्र सिंह को। ठीक है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। यहाँ पर है विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पहाड़ के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन है? तो ये नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर के बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सा गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगला है, महादेव देसाई किसे किसके सचिव थे? महादेव देसाई जो थे वो किसके सचिव थे? तो महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के सचिव थे। महात्मा गांधी इसका जवाब होगा। तिब्बत की शांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की शांगपो नदी जो है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं 10वीं का जितना भी ऑब्जेक्टिव्स है उसका नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ज़रूर इस चैनल पर आइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। सबसे पहले तो ये कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैं अपना जो नोट्स बनाया हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? तो मांसाहारी होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं मांसाहारी। सागौन किस वन का उत्पाद है? सागौन जो है वो किस वन का उत्पाद है? तो इसका जवाब होगा मानसूनी वन। सागौन जो है वो मानसूनी वन का उत्पाद है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है? इसका जवाब होगा 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। उसके बाद है शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील है मतलब क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु है। उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो है वो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद है एगमार्क। एगमार्क का संबंध किससे है? तो एगमार्क का जो संबंध होता है वो गुणवत्ता से होता है। किस चीज़ की गुणवत्ता के लिए एगमार्क का होता है? उसके वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया कब पारित किया गया? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में वन जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? USSR। ठीक है, USSR। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी में। वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या होती है 206। 206 होता है वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या। उसके बाद है अगला प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचनाकार कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचनाकार है चार्ल्स डार्विन।
चार्ल्स डार्विन जो है वो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचनाकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में, ठीक है, हेग में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अजमेर है, अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद है निम्न में कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है उसको इसमें दर्शाना है। तो प्रोटीन है ऑप्शन में, मृदा है, कवक है, फॉस्फोरस है। तो यहाँ पर कवक जो होगा वो जैव मंडल का क्या है? अजैविक घटक नहीं है। WWF से क्या आशय है? WWF का से क्या आशय है, मतलब इसका पूरा विस्तृत रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ये WWF का पूरा नाम है। दोस्तों अंत में मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर शिक्षा से संबंधित पोस्ट मिलेंगे, वीडियोज़ मिलेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे उन दोस्तों के लिए जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों ख़ास तौर पर मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर शीघ्र ऑब्जेक्टिव्स सीरीज आने वाले हैं, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएँ। उसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर काम चल रही है अभी। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।